भी जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो मेरी किसी बात को लेकर, किसी के दिल को कोई आहत पहुंची हो, मैं उसके लिए भी आप सब से, पूरे गांव से, पूरी छत्तीस बिरादरी से, पूरे हलके से हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ, आपके चरणों में वंदन करता हूँ। इस डिबेट को आपने किस प्रकार से लड़ना है ये आपकी अपनी जिम्मेवारी है, ये आप इसको कैसे जिताओगे कैसे नहीं जिताओगे, मैं तो एक सामान्य सा आप ही का बच्चा, आप ही का भाई, आप ही का बेटा हूँ, मुझे नहीं पता है चुनाव कैसे लड़ना है, ये चुनाव लड़ना कैसे लड़ना ये भी मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, आप किस प्रकार से चुनाव लड़ो। पगड़ी पहनाई जा रही है, पगड़ी पहनाकर योगेंद्र राणा का स्वागत यहां पर किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से योगेंद्र राणा का पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत यहां पर करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं सभी ग्रामीण। आप देख सकते हैं यहां पर पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जा रहा है योगेंद्र राणा का। अपील करूँगा वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। देख सकते हैं पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया है। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं तलवार देकर, तलवार भेंट करके यहां पर स्वागत किया जा रहा है योगेंद्र राणा का सालवन गांव में। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहां पर ये आप देख सकते हैं, ये देखिए लहरा दी गई तलवार, लहरा दी गई है देख सकते हैं, और तलवार देकर यहां पर स्वागत किया गया है। आप सब ने इतने बड़े जुलूस में, इतने बड़े काफले में, मोटरसाइकिल का काफला, ट्रैक्टर्स का काफला और गाड़ियों के काफले में जिस प्रकार से आपने मुझे यहाँ आशीर्वाद देने के लिए जिस प्रकार से आप मुझे यहाँ लेकर आए, उसके लिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और स्वागत और सम्मान एक तरफा नहीं, दोनों तरफा होना चाहिए। मैं भी आप सबके सामने, मेरी बिरादरी के लोग, मेरे गांव के लोग, छत्तीस समाज के लोग यहां बैठे हुए हैं, असत विधानसभा के लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं भी आप सबके सामने हाथ जोड़कर शीश झुकाकर आप सबको नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाई योगेंद्र तुम आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं, जीतेगा भाई जीतेगा, योगेंद्र राणा जीतेगा। विधानसभा का चुनाव चल रहा है, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सरकार की उपलब्धियों के बारे में बहुत कुछ बताया, जैसा कि आप सब जानते हैं मैं आपका ही बच्चा हूं, आप का किसी का बड़ा भाई होगा किसी का छोटा होगा, राजनीति मैं यहां ना मैं राजनीति बात करूंगा क्योंकि मैं यहां केवल और केवल वोटों की अपील करने के लिए आया हूं, जो मेरा अधिकार भी है, इस गांव का होने के नाते मेरा अधिकार बनता है, वो अधिकार मुझे पूर्ण विश्वास है वो मुझे मिलेगा भी। जिस प्रकार से अभी आपने मेरे को इतने लाड और प्यार से यहां लेकर आए हो, इतना आशीर्वाद दिया है, वो आशीर्वाद आने वाले 5 तारीख को भी आप मुझे जरूर देंगे, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। भाई योगेंद्र राणा, भाई योगेंद्र राणा जिंदाबाद। मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, मेरे पास पिछले 8-9 साल से जिला में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी थी, जो केवल और केवल आप लोगों ने द्वारा ही वहां मेरे को भेजा गया था, उसमें भी आप लोगों का कहीं ना कहीं आशीर्वाद मुझ पर था। यदि मैं वहां ठीक से काम ना करता तो शायद आज जो टिकट मिली है शायद यह नहीं मिलती,
उस काम की वजह से कि आपके बेटे को, आपके बच्चे को, आपके भाई को कोई ये न कह दे कि तू इतना बड़ा पद तूने ले रखा है, तू काम कुछ नहीं करता और तू अपना उधर उधर घूमता है। तो ये मैंने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ ये ध्यान रखते हुए कि मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरे गांव में, मेरे विधानसभा में कोई बुला ना मेरे पे लेकर आने लेना कि आपको जाके तुम्हारा बंदा है सर। इसी वजह से हो सकता है मैं आपके किसी दुख में, सुख में, किसी की हानि में, बीमारी में ना आ पाया हूं, मैं चाहते हुए भी ना आ पाया हूं, लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं, मेरी नियत में कोई खोट नहीं था। और यदि जिस प्रकार से अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाली 5 तारीख को जो कमल आप लोग खिलाओगे, उसके बाद मैं चाहकर भी वहां नहीं जाऊंगा, आप ना मुझे जाने दोगे और ना मैं जाऊंगा, मैं यही आप लोगों के बीच में रहकर आप लोगों की सेवा करूंगा। मेरे घर के दरवाजे और मेरे दिल के दरवाजे भी आप लोगों के लिए 24 घंटे खुले हैं। आप जब भी आए मैं नतमस्तक हूं आपके चरणों में। और इतना कहना चाहता हूं, मुझसे या मेरे परिवार से, वैसे तो मेरा परिवार यही है सर, आप लोग मेरा परिवार ही हो, फिर भी जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, मेरी किसी बात को लेकर किसी के दिल को कोई आहत पहुंची हो, मैं उसके लिए भी आप सब से, पूरे गांव से, पूरी 36 बिरादरी से, पूरे हलके से हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं, आपके चरणों में वंदन करता हूं। क्योंकि मैं आप ही का बेटा हूं, एक बात का विश्वास आपको दिलाने में जाना चाहूंगा, ये जो टिकट मिली है ये पूरे सालवन के 36 समाज के लोगों का टिकट मिली है, ये योगेंद्र राणा का टिकट नहीं मिली, ये राजपूत समाज के साथ साथ बाकी जो 35 बरादरी हो रहा है उनको भी ये टिकट मिली है। यदि मैं यही बैठे बैठे बात करूं, ये टिकट मिली है रणधीर को, ये टिकट मिली है अजीत को, ये टिकट मिली है गुरमुख को, ये टिकट मिली है ओम प्रकाश को, ये टिकट मिली है बलजीत तोड़ को, ये टिकट मिली है अजय को, ये टिकट मिली है पवन को, ये टिकट मिली है रजत को, ये टिकट मिली है यहाँ के सरपंच जयवीर फौजी को, ये सर्व समाज की टिकट है। सालवन के साथ साथ 85 जो और गांव है ये उनकी टिकट है, सब पे पूरा, सभी को इस टिकट पर पूरा अधिकार है। यहां से कमल खिलाने की जिम्मेवारी भी सर्व समाज की है, 36 बिरादरी की है। मैं आपको इतना विश्वास दिलवाना चाहता हूं, आप विधायक 5 तारीख के बाद वोट डलने के बाद 8 तारीख को यदि जब रिजल्ट आएगा, पूरा सालों विधायक बनेगा, पूरा हलका के 85 गांव विधायक बनेंगे। आप केवल यह जिम्मेवारी ले लो, मैं भरी पंचायत में एक बात कह के आपके बीच में जाना चाह रहा हूं, आगे की जिम्मेवारी मेरे पे छोड़ दो। यदि आज के बाद मुझसे या मेरे परिवार से कभी गलती हो जाए, मैं आज के बाद आपके बीच में ना वोट मांगने आऊंगा, ना आपको शक्ल दिखाने आऊंगा, ये भी मैं आपसे वादा करता हूं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये टिकट आपकी है और भारतीय जनता पार्टी की पहली बार करनाल जिले में यदि किसी को मिली है तो आपको मिली है।
इस डिबेट को आपने किस प्रकार से लड़ना है ये आपकी अपनी जिम्मेवारी है। ये आप इसको कैसे जिताओगे कैसे नहीं जिताओगे, मैं तो एक सामान्य सा आप ही का बच्चा, आप ही का भाई, आप ही का बेटा हूं, मुझे नहीं पता है चुनाव कैसे लड़ना है, ये चुनाव लड़ना कैसे लड़ना ये भी मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं, आप किस प्रकार से चुनाव लड़ो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्योंकि बार बार ऐसे मौके आते नहीं, मैंने जैसे पहले कहा कि काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती, यदि मेरे से कमी या मेरे परिवार से कमी कोई गलती हो जाए तो मैं माफ ना करना, पिछली गलतियों को माफ करते हुए पिछले कुछ कई सुने को माफ करते हुए आज से आप अपने आप को योगेंद्र राणा समझ के लिए चुनाव लड़े। कैसे लड़े, इस गांव में कैसे लड़े, इस हल्के में कैसे लड़े, छत्तीस समाज के साथ आप लोग जाए और जितना झारखंड का या और उपराने का जितने भी छत्तीस समाज के लोग हर गांव में रहते हैं उनसे आप कैसे उनको मनाओगे, कैसे आपको अपने पक्ष में करोगे और कैसे यहां से कमल खिलाने का काम करोगे, ये जिम्मेवारी भी आज यहां बैठे हुए मेरे सालवन के सारे जितने भी मेरे बुजुर्ग मेरे नौजवान साथी बैठे हैं उन्हीं के कंधों पर मैं देता हूँ। भाई अगर तुम आगे बढ़े हम तुम्हारे साथ हैं, भाई अगर तुम आगे बढ़े हम तुम्हारे साथ हैं, जीतेगा भाई जीतेगा, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और आप सभी जानते हैं कि ओबीसी समाज के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्रीमान नायब सैनी जी, उनके नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है ये भी सुनिश्चित है। और ये आप सबका फर्ज भी बनता है कि उस उनकी कैबिनेट में और उस विधानसभा में आपका अपना नुमाइंदा भी हो जो आपकी आवाज वहां जाकर उठाए। तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ एक बार आप सब से यही निवेदन करूंगा कि आने वाली 5 तारीख को आप सब पहले मतदान फिर जलपान, इस जो ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है, ऐसी कोई वोट जो बाहर गई है उसको भी बुलाएं और सभी को एक एक वोट भुगतवाकर यहां से एक बड़ा कमल खिलाकर चंडीगढ़ जब वो कमल जाएगा तो आप स्वयं उस कमल को लेकर जाओगे। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं कि यदि विधायक बनेगा तो सालवन बनेगा, विधायक बनेगा तो सारे का सारा 85 के 85 गांव में विधायक बनेंगे। मैं इस बात को मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो ये पगड़ी, जो ये सम्मान की पगड़ी आपने मुझे दी है, जो मेरे अपने गांव वाले ने मेरा इतना मान और सम्मान किया है, मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं आपकी इस पगड़ी को कभी नीचे नहीं होने दूंगा, मैं इसके गर्व से हमेशा उसको रखने का मेरा प्रयास। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं एक और आपसे अपील करना चाहूंगा, आने वाली 22 तारीख को अभी टेंटेटिव प्रोग्राम आया है के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी असम में आ रहे हैं और हमें आज आशीर्वाद देने आ रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा जिस प्रकार से आज आपने
इतने भारी जन समूह के साथ मुझे जो आशीर्वाद दिया, मुझे जो प्यार दिया है, वो आशीर्वाद और प्यार यदि आप योगी आदित्यनाथ जी को भी देंगे तो निश्चित रूप से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आपका निबंधा भी उस सरकार में भागीदार होगा। तो आप सब उस सरकार में कहीं ना कहीं आपकी भी हाजिरी लगनी तय है। एक बार फिर